हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई बिलीव कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं और मेरी मम्मी एक नई वीडियो देखने वाले हैं, और ये वीडियो जो है ये एक मिनिस्टर है नागालैंड के, तेंजिम, उनकी वीडियो। आई बिलीव मुझे इतना पता नहीं है, बट ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं शायद नागालैंड के। ये बहुत ज़्यादा इस समय हमारे, मतलब तुम ये कह लो नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं आफ्टर हिज स्पीच। जो इन्होंने स्पीच दी थी, बहुत ही ऑसम स्पीच थी। मैंने तो सुनी हुई थी, बट मैं मम्मी को आज ये इनकी एक स्पीच सुनाना चाहता हूँ और मम्मी का रिएक्शन लेना चाहता हूँ। आप लोग भी देखना कि मम्मी का रिएक्शन कैसा रहता है इनकी स्पीच पे। अभी तक मम्मी इन्हें जानती नहीं है कौन है, क्या है, कैसी स्पीच है। सो मम्मी रेडी? रेडी। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आँख छोटा है, हमारी आँख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूँ। छोटे आँख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं, और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे, उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे दो आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे, तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहां कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है। यार इनकी हिंदी बहुत ही मतलब मैं सुनने के बाद इन्हें बता रहा, जैसे पूर्वोत्तर है, पूर्व नॉर्थ ईस्ट को पूर्वोत्तर बोलते हैं, इतनी को खतरनाक हिंदी ये बोल रहे हैं। यार इतनी अच्छी हिंदी तो मेरे बस की नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हैवी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं मतलब हिंदी के, बहुत अच्छी हिंदी है। और दूसरी जो इन्होंने बात बोली, जैसे कि जब ये गए थे आगरा में और इन्हें मतलब प्रूफ करना पड़ा कि मैं इंडियन हूँ, ऐसा पता होता है, मतलब ये बहुत बहुत ऐसा, मतलब अब काफ़ी हद तक नहीं हो रहा, क्योंकि अब तो लोग मतलब लिटरेट हो रहे हैं, लोगों को पता है कि एक नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे, मतलब स्टेट्स पहले बहुत होता था, लेकिन अब इतना नहीं है। अब लोगों की मे बी मेरे चैनल की वजह से भी और बाकी, तो अब अवेयरनेस काफ़ी हो चुकी है, अब इतना नहीं है, बट पहले ये सब रेसिज्म वगैरह बहुत फेस करना पड़ता था वहाँ के लोगों। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी थी, बहुत अच्छी। तो बताओ। नहीं, इनके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा था। ये मिनिस्टर हैं वहाँ नागालैंड के ना, इनका मतलब ये तो बहुत छोटा स्पीच है, लेकिन कभी अगर लोगों को पसंद आई तो मैं तुम्हें इनकी और पूरी पूरी स्पीच और सुनाएंगे। मतलब इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है टेंजिन की, ये एज अ पॉलिटिशियन और एज अ पर्सन, इनकी मुझे तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत फनी लगते हैं, बहुत जब भी बात करते हैं थोड़ी एंटरटेनिंग बात करते हैं तो सुनने का मन करता है। ऑलराइट गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय। फनी बोलते हैं ये, अच्छा मजा किया।